दोस्तों, हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट तो बना लिया और मैंने पीसी या डेस्कटॉप के ऊपर आपको समझाया कि अकाउंट कैसे बनता है और उसके चंद फंक्शंस। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इंस्टाग्राम इज़ डिज़ाइंड फॉर मोबाइल फ़ोन्स, तो आइए सेशन में थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि मोबाइल फ़ोन ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे इंस्टाग्राम की, तो वो किस तरह की है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है और किस बटन से क्या होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंस्टाग्राम अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप डेस्कटॉप की नॉलेज लेकर बैठे हैं और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको आइडिया ना हो कि कौन सा फंक्शन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करें ऐप। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम की ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल के आई स्टोर से इंस्टाग्राम की ऐप को डाउनलोड करें। जब आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो इंस्टाग्राम के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। अब अगर आप नोट करें तो ये मेन स्क्रीन है ऐप की इंस्टाग्राम में कि जो आपके सामने अपीयर होगी। इट्स सिमिलर टू फेसबुक। फेसबुक पे भी इसी तरीके से न्यूज़ फीड होती है जो मेरे सामने अपीयर हो रही है। अगर मैं अपनी न्यूज़ फीड में देखूं तो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग का चूंकि पेज फॉलो किया था, इसी वजह से मेरे सामने जितनी पोस्ट्स आ रही हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान सुपर लीग से ही रिलेटेड हैं। कुछ सजेशंस भी मुझे दरमियान में इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर रहा है कि इन लोगों को मैं फॉलो कर सकता हूँ। हो सकता है इन लोगों के इंटरेस्ट सिमिलर हों जो मेरे इंटरेस्ट हैं। जब मैंने प्रोफाइल बनाया था तो उसमें जो इंटरेस्ट मैंने शो किए थे वही इंटरेस्ट इन लोगों के हों जिसकी बेस पे इंस्टाग्राम मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इनको फॉलो करें। या ये वो लोग भी हो सकते हैं जो मेरे ईमेल अकाउंट में कहीं मैंने इनको कभी कोई ईमेल की या इनकी तरफ से मुझे ईमेल रिसीव हुई और इंस्टाग्राम ने उसको कनेक्ट किया और या फेसबुक के थ्रू उसको कनेक्ट करके उसकी मुझे सजेशन दे रहा है। अब इससे आगे ज़रा थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस पे और बटन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर टॉप पे आप ऑब्जर्व करें तो आपको अपनी पिक्चर नज़र आएगी और पिक्चर के आगे एक ब्लू कलर का प्लस साइन नज़र आएगा और उसके नीचे यू लिखा हुआ है। आपके इंस्टाग्राम पे आपकी होगी, यहाँ चूंकि मेरा ये प्रोफाइल है तो इट्स माय प्रोफाइल पिक्चर और नीचे यू लिखा है और ये प्लस का निशान है। स्टोरीज इंस्टाग्राम का वो फंक्शन है कि जिसको यूज़ करके आप शॉर्ट स्मॉल वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और अपनी डेली ज़िंदगी का हाल बता सकते हैं अपने फॉलोअर्स को। 24 घंटे के बाद ये वीडियो डिलीट हो जाती है। अगर आपने स्नैपचैट का कभी नाम सुना हो, जो अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर मैं उसके बारे में बात भी करूँगा, उसके ऊपर भी सिमिलर फंक्शन है कि आपकी जो पोस्ट की हुई चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं और कुछ लोग समझते हैं कि प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छी या अच्छा फंक्शन है। इंस्टाग्राम आपको ये अलाउ करता है कि आप अगर इस वीडियो को, इस स्टोरीज़ को डिलीट नहीं करना चाहते तो आप इनको सेव रख सकते हैं और 24 घंटे के बाद भी आपके पास सेव रहेंगे। तो स्टोरीज़ को अपलोड करने का सिंपल तरीका है, प्लस साइन के ऊपर क्लिक करें और वो आपके सामने कैमरा स्क्रीन खुल जाएगी। आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करें और वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको पोस्ट कर दें एंड देन इट विल बी पब्लिश्ड टू योर फॉलोअर्स और आपके फॉलोअर्स उसको देख सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फंक्शन स्टोरीज़ का यूज़ होता है वो सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। वो डेली के तौर पे अपनी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करते हैं एक स्टोरीज़ की फॉर्म के अंदर और फॉलोअर्स उसको देख कर उसके ऊपर कॉमेंट कर रहे होते हैं और रिएक्शन दे रहे होते हैं। अब उससे नीचे आते हैं हम न्यूज़ फीड के ऊपर। जिसे मैंने पहले बताया कि जो पेजेस आप फॉलो करेंगे उनका कंटेंट आपके सामने रिव्यू हो रहा होगा। पिक्चर के नीचे अगर आप नोट करें तो एक दिल का निशान बना हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द लाइक बटन। फेसबुक के ऊपर लाइक बटन जो है वो थंब का निशान होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो लाइक का बटन है वो एक्चुअली दिल का निशान है। उसके बाद जो ये आगे बबल है, दिस इज़ एक्चुअली अ कॉमेंट बटन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन राइट ए कॉमेंट ओवर हेयर। अगेन फेसबुक में कॉमेंट का लफ्ज़ होता है, इंस्टाग्राम का चूँकि इंटरफेस थोड़ा सा फ़र्क है तो लाइक है दिल और उसके बाद जो कमेंट का बटन है वो आगे बबल है। और द नेक्स्ट वन इज़ एक्चुअली जो छोटा सा एक पेपर सा जहाज़ बना हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ अ शेयर बटन या सेंड टू बटन। इंस्टाग्राम इसको सेंड का नाम देता है लेकिन टेक्निकली ये फेसबुक की ज़बान में शेयरिंग है। जब आपने एक पिक्चर या वीडियो दूसरों के साथ शेयर करनी होती है तो आप इस बटन को प्रेस करते हैं। राइट साइड पर आप ऑब्जर्व करें तो आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा, ये एक रिबन नुमा बटन है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड कॉर्नर के ऊपर छोटी सी पिक्चर, सेम वही पिक्चर अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपने इस पिक्चर को सेव कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर आपने इस पिक्चर को जब भी कोई दोबारा देखना है तो ये पिक्चर इंस्टाग्राम ने आपके लिए सेव कर दी है और इस बटन के थ्रू आप उसको सेव करते हैं। अगर आपने इसको अनसेव करना है तो यू क्लिक दैट बटन अगेन एंड द पिक्चर इज़ गोइंग टू बी डिलीटेड फ्रॉम योर सेव्ड लिस्ट। ये तो होगी पिक्चर की बात, आपने लाइक भी देख लिया, कॉमेंट भी देख लिया और शेयरिंग भी देख ली। अब ज़रा बॉटम में आए और बॉटम में नेविगेशन बार को देखें। सबसे पहले होम के ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, चूँकि होम के ऊपर न्यूज़ फीड ही मैं एक्सेस कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिन जिन पेजेस को मैंने फॉलो किया हुआ है। होम के साथ जो दूसरा बटन है वो है सर्च का मैग्नीफाइंग ग्लास। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स इंस्टाग्राम शो करेगा
अभी वो तमाम पिक्चर्स हैं कि जो रिलेटेड हैं आपके इंटरेस्ट से, या आपने कभी हिस्ट्री में रिव्यू की और रिव्यू करके आपने उस पिक्चर को बंद कर दिया, और ये वो तमाम पिक्चर्स अब आपकी सर्च फीड में अपीयर हो रही हैं। ज़हन में रखें कि न्यूज़ फीड जो होम बटन पे आ रही है उसके अंदर सिर्फ वही कंटेंट अपीयर होगा कि जिन पेजेस को आपने फॉलो किया है, लेकिन सर्च फीड में वो तमाम कंटेंट अपीयर हो रहा होगा जो आपके इंटरेस्ट से मैच होता है, और ये पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। और जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सेलिब्रिटीज़ भी हो सकता हो, क्रिकेट रिलेटेड पिक्चर्स भी हों। अगर आपने किसी हिस्ट्री के अंदर कोई कार रिलेटेड पिक्चर को ओपन करके व्यू किया तो कार रिलेटेड भी मटेरियल आपको आपके सर्च फीड में मिल रहा होगा और देख रहा होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट पिक्चर्स, और उसके बाद पेजेस को फाइंड आउट करके यहाँ से फॉलो अप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला बटन जो है वो प्लस साइन का है, इट्स अ अपलोड बटन। आपने पिक्चर को अपलोड करना है, वीडियो को अपलोड करना है, तो आप इस बटन की मदद से कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट गैलरी खोल देगा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो गैलरी एग्जिस्ट करती है। प्लस साइन के बाद अगला बटन जो है, अब ये दोबारा दिल का निशान है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट द लाइक बटन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी नोटिफिकेशंस की। फेसबुक के ऊपर ग्लोब की शक्ल के अंदर नोटिफिकेशन का बटन होता है जो नोटिफिकेशन आपको बता रहा होता है। इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आपको इस दिल के बटन से नज़र आ रही होती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने आपके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया, किस किस ने आपके पेज के ऊपर कॉमेंट किया या लाइक किया, और किस किस ने आपको मैसेज भेजे, वो तमाम चीज़ें यहाँ आपके सामने अपीयर हो रही होंगी। और लास्ट बटन जो है, ये जो छोटा सा आइकन बंदे की शेप के अंदर बना हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली ये प्रोफाइल पेज जिधर से आप जाके अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है प्रोमोट का बटन। अगर आप नोट करें, एडिट प्रोफाइल के साथ प्रोमोट का बटन, जब आप प्रोमोट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, वापस फेसबुक एडवर्ट्स के अंदर। अब प्रमोट के बटन पर क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि जी क्रिएट प्रमोशन करनी है, वो आपके आगे मुझे इमेज दिखा रहा है, और राइट साइड टॉप के ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो देन इट विल टेक यू टू फेसबुक एडवर्ड्स या फेसबुक एड मैनेजर्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इंस्टाग्राम के केस में कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों, इस प्रोफाइल पेज के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों को डिस्कवर भी कर सकते हैं और इनसाइट्स को भी देख सकते हैं। राइट साइड टॉप के ऊपर देखें तो आपको बंदे के आइकन के आगे एक प्लस का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। जब आप उस पर टैप करेंगे तो यू कैन एक्चुअली सी कि इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि आप इन लोगों को फॉलो करें। फेसबुक के थ्रू जो आपके फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कौन कौन लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल भी आपके सामने अपीयर हो रहे होंगे और वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है कि फेसबुक का तो चलो समझ आ गई कि कैसे इंस्टाग्राम को पता लगा कि कौन कौन से लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक के दोस्तों में से, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लोग आपने सेव किए हुए हैं इंस्टाग्राम को कैसे पता लग रहा है कि इनमें से ये लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और आपको उनको फॉलो करना चाहिए। इंस्टाग्राम एक फंक्शन आपसे हमेशा स्टार्ट में पूछता है प्रोफाइल बनाते हुए, और फेसबुक भी पूछता है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना है, और जब आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो वो डाटा फेसबुक के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी बेस के ऊपर फेसबुक आपको आगे जाके सजेशंस देता है कि ये लोग भी इंस्टाग्राम को यूज़ करें, हैंस यू शुड फॉलो देम। इसके बाद इसके साथ इस आइकन के साथ दूसरा आइकन है इनसाइट्स का, वो तमाम डाटा जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है वो इस आइकन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं, इनमें से काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्जन में अवेलेबल नहीं होंगे, इसी वजह से मैं इसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरिंग का बटन कहाँ है और इनसाइट्स का बटन कहाँ है, क्योंकि इनसाइट के बटन को आप अक्सर यूज़ कर रहे होंगे अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर। और लास्ट के अंदर, अगर आपने इंस्टाग्राम को यूज़ करके किसी को मैसेज करना है तो सिंपल बटन राइट साइड टॉप के ऊपर आपको वही पेपर प्लेन की तरह का बटन नज़र आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके वो तमाम प्रोफाइल्स अपीयर हो रहे होंगे कि जिनको आपने फॉलो किया है। मैंने चूंकि अपना नया प्रोफाइल बनाया और मैंने अभी एक पेज को ही फॉलो किया हुआ है, इस वजह से सिर्फ एक ही पेज मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आप अगर आपके इंस्टाग्राम पे आपके और दोस्त एडिड हैं तो वो तमाम यहाँ अपीयर हो रहे होंगे, जिनके प्रोफाइल पर क्लिक करके आप उनको मैसेज भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, और इसके अलावा बाकी मीडिया कॉन्टेंट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रीफ ओवरव्यू था इंस्टाग्राम का मोबाइल फ़ोन के ऊपर। इसको गौर से देखिए, इसके तमाम फंक्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, स्टोरीज़ को कहाँ से एक्सेस करना है, स्टोरीज़ की आर्काइव कहाँ पड़ी होती हैं, जो डिलीट होने के बाद अगर कोई स्टोरीज़ आपने सेव करनी हो वो कहाँ से आपको पता लगेगा, अपने प्रोफाइल को आपने चेंज करना है, उसमें कोई पिक्चर चेंज करनी है या कोई डिटेल्स चेंज करनी है वो कहाँ से होगी, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करें अपने तौर के ऊपर।
कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक किस्म की टेक्नोलॉजी है, बेसिक किस्म की ऐप है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि आगे जाके आप इंस्टाग्राम रिलेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर सकें।